खाना तैयार है? हाँ जी, बस लगा दिया। खाने को चखो। जी 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 नहीं, खाने को चखो। मुझे क्या पता तुमने खाने में जहर मिलाया हो और तुम चाहती हो कि हम मर जाएं। उसके बाद तुम इस पूरे घर पे कब्जा कर लो। आप कैसी बातें कर रही हैं? जो कह रही हूं वो करो, चखो खाने को। ऐसी क्यों खा रही हो? वो पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। अम्मी जी कह रही थी कि मुझे याद नहीं है मैंने खाने में नमक डाला भी है कि नहीं, तो मैंने कहा जरा खाना चख लो। अल्लाह माफी तौबा है, अभी से ये हाल है? दो चार बच्चे हो गए तो फिर क्या होगा? एक भी हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा भूख बहुत लग रही है, जल्दी से खाना लगवाओ। लो मेरा बच्चा, सेब खाओ। सुना है इसके खाने से दिल से वसवसे मिटते हैं। मुझे ये बताओ कि दुकान कहां तक पहुंची? अम्मा एक दो दिन का काम रह गया दुकान में, जैसे ही वो हो जाएगा तो सामान डलवाना शुरू करूंगा। 6 महीने का पेशगी किराया दे दिया है ना तुमने? हाँ वो दे दिया। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे बेटा, तरक्की दे तुम्हें, जुग जुग जियो। अल्लाह तुम्हें माल और औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। अच्छा ये बताओ अकबर, तुम्हारी बेगम की जमी बर्फ पिघली या नहीं? सही बात है, बहुत सख्त दिल और जालिम औरत ऐसी मैंने देखी नहीं कभी पूरी दुनिया में। अब देखो ना मियाँ, कारोबार के लिए जूतियां चटखाता फिर रहा है, बच्चा अलग परेशान है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी ही नाफरमान बीवियां कयामत की निशानी है। अम्मा अम्मा छोड़ो ना, कोई और बात करो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारा ये पागलपन मुझसे देखा नहीं जाता है। देख अकबर, तू अभी जवान है, खूबसूरत है, मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दे दे, फिर देखना तेरे लिए ऐसी खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की लेकर आऊंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन वो तबस्सुम तो नहीं होगी ना? ठाड़ में जाओ अकबर तुम, वो तुम्हें मुंह लगा नहीं रही है, तुम घुसे चले जा रहे हो उसमें, जोरू का गुलाम कहीं का। बहुत पछताएगा तू, मैं बता रही हूँ तुझे।